आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उसी ब्रिटेन को हराकर भारत ने ये जगह बनाई जिसने कभी हम पर राज किया था। पिछले 10 साल में भारत ने 10वें स्थान से 5वें स्थान तक का सफर तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में वो कौन से फैसले भारत सरकार ने लिए जिसके बाद देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में सफलता मिली, आइए हम आपको बताते हैं उन 10 फैसलों के बारे में जिसने इकोनॉमी को बुलंदियों पर पहुंचाया। पहला, प्रधानमंत्री जनधन योजना। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की थी, जब पीएम बनने के बाद लाल किले से अपना पहला भाषण उन्होंने दिया था। इस योजना से देश के प्रत्येक नागरिक को बैंक खाता खोलने में मदद मिली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किफायती तरीके से आम नागरिकों तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना था। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खाते जीरो बैलेंस से खोले जा रहे हैं। पीएमजेडीवाई वेबसाइट पर दिए गए डेटा के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत अब तक 46.56 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 1,72,617 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया गया था कि बीपीएल परिवार को अगले 3 सालों में 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की सहायता से 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब तक इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवार को जारी किए जा चुके हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। अप्रैल 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसाय वाले व्यक्तियों को उचित ब्याज दरों पर ऋण देना और उन्हें वित्तीय सहायता करना है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। ये माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड के लिए है। इसका उद्देश्य है गैर कॉरपोरेट छोटे व्यवसायियों की फंडिंग की जरूरतों को पूरा करना। पूरे भारत में एक टैक्स प्रणाली यानी जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को केंद्र की मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक कर नियम के तहत जीएसटी लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य अलग अलग टैक्सों से ग्राहकों और व्यापारियों को छुटकारा दिलाना था। जीएसटी के तहत 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% बनाए गए हैं। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% तक का ही टैक्स लगता है। भीम योजना से डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति। आज के समय में भारत दुनिया में सबसे अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले देशों में से एक गिना जाता है। मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को भीम नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसकी मदद से हम बिना किसी व्यक्ति का बैंक डिटेल लिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसा भेजने के लिए सिर्फ एक यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। स्टार्टअप क्रांति करने वाला देश बना भारत। ये योजना पीएम मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के इरादे से शुरू की गई। इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप्स को इनोवेशन और डिजाइन के माध्यम से बढ़ने के लिए सशक्त बनाना और स्टार्टअप के प्रचार प्रसार में तेजी लाना है। सरकार की तरफ से स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का नतीजा है कि आज भारत के पास 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। 1 रुपए में भारतीय रेल यात्री यात्रा बीमा योजना। मोदी सरकार ने रेल बजट 2016-17 में इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत 1 रुपए से कम का भुगतान करके ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय 10 लाख रुपए तक के यात्रा बीमा कवर का लाभ उठाया जा सकता है। ये यात्रियों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर नहीं। रियल स्टेट विनियम और विकास अधिनियम यानी रेरा। खरीदारों की शिकायतों को दूर करने और भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने 1 मई 2017 को रेरा अधिनियम लागू किया।
अधिनियम के अनुसार यदि रियल स्टेट डेवलपर किसी संपत्ति को पंजीकृत करने में विफल रहता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो परियोजना लागत का 10% तक हो सकता है। एक बार फिर से अपराध करने पर डेवलपर को जेल भी हो सकती है।